बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने एक वेडिंग सेलिब्रेशन का बेहद क्यूट वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल के साथ बारात में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए अक्षय ने लिखा, मोहनलाल सर आपके साथ ही डांस हमेशा याद रहेगा, एब्सोल्यूटली मेमोरेबल मोमेंट। क्लिप में अक्षय क्रीम कुर्ते और व्हाइट पजामा पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं मोहनलाल के साथ ढोल की बीट पर भांगड़ा भी कर रहे हैं। मोहनलाल ने लाइट ब्लू कलर की शेरवानी, व्हाइट पैंट और आइवरी पगड़ी पहनी हुई है। इसके बाद अक्षय और मोहनलाल ने एक दूसरे को गले लगाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय डायरेक्टर राज मेहता की फिल्म सेल्फी में इमरान हाशमी, नुसरत भरूचा और डायना पेंटी के साथ दिखाई देंगे। वो OMG 2 और बड़े मियां छोटे मियां में भी नजर आएंगे। दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाला केस में एक और बड़ा मोड़ आया है। आबकारी घोटाला मामले में ईडी ने एक और गिरफ्तारी की है। ईडी ने YSR कांग्रेस पार्टी के सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे मंगुटा राघव रेड्डी को गिरफ्तार किया है। उन पर इस कथित घोटाले में एक बड़ी भूमिका निभाने का संदेह है। मंगुटा राघव रेड्डी ने दिल्ली की नई आबकारी नीति के कथित घोटाले की योजना को तैयार करने और फिर उससे अनुचित लाभ हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाई। ईडी ने अपनी दूसरी चार्जशीट में कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता के साथ राघव रेड्डी इंडो स्पिरिट का वास्तविक मालिक है। इसी के साथ चार्जशीट में कहा गया कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के बदले में कविता को इंडो स्पिरिट के जरिए दिल्ली की शराब कारोबार तक पहुंच मिली थी। इससे पहले 8 फरवरी को CBI ने हैदराबाद से चार्टर्ड अकाउंटेंट बुची बाबू गोरंटला को गिरफ्तार किया था। बता दें कि इस मामले में जांच एजेंसी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया है और उनसे पूछताछ भी की जा चुकी है। अब तक इस मामले में कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी को गुजरात के अहमदाबाद में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के 60वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने समारोह को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोई चोट, दर्द, युवा, खिलाड़ी, बुजुर्ग हो या फिर फिटनेस के मुरीद हो, फिजियोथेरेपिस्ट हर परिस्थिति में हर उम्र के लोगों के सहयोगी बनकर उनकी तकलीफ दूर करते हैं और आपके मुश्किल समय में सिंबल ऑफ होप बनते हैं। खेलो इंडिया और फिटनेस इंडिया मूवमेंट का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इन सारे सेक्टर्स में हो रहे विस्तार के कारण अब छोटे शहरों और कस्बों में भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका भी बढ़ गई है। फैमिली डॉक्टर्स की तरह फैमिली फिजियोथेरेपिस्ट भी होने लगे हैं। इससे भी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कई संभावनाएं बनने लगी हैं। इसी के साथ पीएम मोदी ने मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को लेकर कहा कि आयुष्मान भारत योजना हो या फिर सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो, देश में एक मजबूत सोशल सिक्योरिटी नेट तैयार हो चुका है। आज इससे देश का गरीब और देश का मध्यम वर्ग अपने बड़े सपने देख सकता है और उनको पूरा करने का साहस जुटा पा रहा है। हमारे देश के गरीबों को एक सपोर्ट की जरूरत थी। बैंक खाता खुलवाना हो, शौचालय बनवाना हो या लोगों तक नल से जल पहुंचाना हो, हमने ऐसे ही कितने अभियानों से लोगों को सपोर्ट किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान और उनके हस्बैंड सैफ अली खान एक नए प्रोजेक्ट के लिए साथ आ रहे हैं और ये मार्वल्स वेस्टलैंडर्स का हिंदी वर्जन ऑडियो सीरीज है। करीना ने जहां ब्लैक विडो हेलेन ब्लैक के रोल को अपनी आवाज़ दी है, तो वहीं सैफ अली खान ने स्टार लॉर्ड के रोल को आवाज़ दी है। शुक्रवार को मार्वल्स वेस्टलैंडर्स की ऑडिबल्स ऑडियो सीरीज का कास्ट अनाउंसमेंट इवेंट हुआ, जिसमें करीना ने मार्वल ऑडियो यूनिवर्स में शामिल होने की एक्साइटमेंट शेयर की। आई एम फर्स्टली वेरी ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस ह्यूज सीरीज, द फर्स्ट ऑडिबल हिंदी सीरीज ऑफ मार्वल। आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। I think this character actually, the more when I read it, whenever, when you guys sent me the script, when I read it, I was like,
okay, now I know why they want me to play it, because I resonated with it completely. I think Black Widow's always been fierce, powerful, intelligent. I wouldn't say manipulative, but I would say that she kind of knows when she has to make her moves. So somehow, I think it's just something that I just, you know, it was so fierce. So it was like an instant connect. And I hope through my voice and, you know, I can add my own touch to this, you know, wonderful character and truly iconic. Of course, being a part of it with such, you know, amazing actors and voices also is going to be absolutely amazing. So we've just started this journey. And let's see. And of course, having my dear friend and gorgeous Masaba part of it is also, I think, a win-win situation for us. हिंदी एडेप्शन के इस ऑडियो एपिक में शरद केलकर शामिल हैं, जिन्होंने वुल्वरिन के कैरेक्टर को आवाज दी है। वहीं आशीष विद्यार्थी डॉक्टर डूम के रूप में नजर आएंगे, व्रजेश हिरजी जयदीप अहलावत हॉकाई के रूप में और मसाबा गुप्ता लिसा कार्टराइट के कैरेक्टर को आवाज दे रही हैं। ये सीरीज 6 एपिसोड की होगी। 6th सीजन का ऑडियो हाउस ऑफ मार्वल को बिलोंग करता है और शुरुआत से लेकर आखिर तक एक बढ़िया फन राइड का वादा करता है। गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने ओपन मार्केट डिस्पोजल स्कीम के तहत 30 लाख मेट्रिक टन गेहूं को बेचने और राज्य सरकारों, केंद्रीय भंडार, नेशनल कंज्यूमर कॉरपोरेटिव फेडरेशन, नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राज्य सहकारी समितियों, संघों आदि को बिक्री करने का फैसला किया है, ताकि गेहूं और आटे की कीमतों में कमी आ सके। इन कदमों में कीमतों को कम करने के लिए बफर से रिलीज, स्टॉक सीमा को लागू करना, जमाखोरी को रोकने के लिए संस्थाओं द्वारा घोषित स्टॉक की निगरानी और आयात शुल्क के युक्तिकरण, आयात कोटे में बदलाव, वस्तु के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध आदि जैसे व्यापार नीति के साधनों में बदलाव शामिल है। देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंध करने और खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने भारतीय डायूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए 13 मई 2022 को गेहूं के निर्यात नीति को मुक्त से निषिद्ध श्रेणी में संशोधित किया है और 12 जुलाई 2022 से आटे का निर्यात गेहूं के निर्यात पर अंतर मंत्रालयीय समिति की सिफारिश के अधीन है। दालों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को संतुलित करने के लिए तूर और उड़द के आयात को 31 मार्च 2024 तक मुफ्त श्रेणी में रखा गया है और मसूर पर आयात शुल्क को घटाकर 31 मार्च 2024 तक शून्य कर दिया गया है। मूल समर्थन योजना और मूल स्थिरीकरण निधि बफर से चना और मूंग के स्टॉक कीमतों को कम करने के लिए लगातार बाजार में जारी किए जाते हैं और कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्यों को भी आपूर्ति की जाती है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि तंबाकू, धूम्रपान और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीने से स्वास्थ्य युवाओं में गंभीर कोविड बीमारी विकसित होने का खतरा बढ़ सकता है। जर्नल ऑफ मॉलिक्युलर मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार धूम्रपान के साथ साथ वेपिंग लोगों में सूजन बढ़ने और गंभीर कोविड 19 के विकास के साथ साथ वायरस के संक्रमण के बाद होने वाले हृदय संबंधी जटिलताओं को भी बढ़ावा देता है। अध्ययन के प्रमुख लेखक और अमेरिका स्थित कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर थियोडोरस ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये फेफड़ों की कई बीमारियों के लिए दिखाया गया है, लेकिन कोविड के लिए नहीं। ये काफी दिलचस्प और नई खोज थी कि वेपिंग ने प्रमुख प्रोटीन के स्तर को बदल दिया, जिसका उपयोग वायरस दोहराने के लिए करता है। 45 गैर धूम्रपान करने वालों, 30 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट वेपर्स और 29 तंबाकू धूम्रपान करने वालों से महामारी से पहले एकत्र किए गए प्लाज्मा का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने वायरस SARS-CoV-2 को दोहराने के लिए आवश्यक प्रोटीन के स्तर को मापा, जो महामारी के केंद्र में था। ये प्रोटीन है ACE2, फ्यूरिन, ANG2, ANG17, IL6R, SCD163 और एल सेलेक्टिन। बाद के तीन प्रोटीन सामूहिक रूप से ADAM17 नामक प्रोटीन द्वारा कोशिकाओं में नियंत्रित होते हैं, जैसा कि अध्ययन में उल्लेख किया गया है। शोधकर्ताओं ने पाया कि तंबाकू या वेप धूम्रपान करने वाले स्वास्थ्य युवा लोगों के प्लाज्मा में गैर धूम्रपान करने वालों के प्लाज्मा की तुलना में फ्यूरिन,
SCD 163 और L-सेलेक्टिन का स्तर ज्यादा था, तो वहीं आंकड़े बताते हैं कि युवा धूम्रपान करने वालों और वेपर्स में फ्यूरिन और ADAM17 प्रतिरक्षा कोशिकाओं और सतह कोशिकाओं में अधिक सक्रिय हो सकते हैं, जैसा कि फेफड़े की परत। कैलेसिडिस ने कहा कि ई सिगरेट वेपर्स धूम्रपान ना करने वालों की तुलना में फेफड़ों के संक्रमण और सूजन संबंधी विकारों के विकास के उच्च जोखिम में हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के एक मेडिकल कॉलेज को एम्स के आदेश का उल्लंघन करने का रोक के आदेश के बावजूद 100 MBBS छात्रों को प्रवेश देने के लिए जुर्माने के रूप में 2.5 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि 4 हफ्ते में जमा की जाने वाली इस राशि का उपयोग एम्स निदेशक के विवेक अनुसार गरीब मरीजों के इलाज के लिए किया जाएगा। पिछले साल एक सुनवाई में अदालत ने अन्ना साहेब चूड़ामन पाटिल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की तुलना फिल्म मुन्ना भाई MBBS से की थी और कहा था कि NMC की टीम की ओर से किए गए औचक निरीक्षण में पाया गया है कि सभी सुस्त और तंदुरुस्त बच्चे ठीक थे। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला की पीठ ने याद दिलाया कि NMC निरीक्षण दल ने पाया था कि अस्पताल की लॉग बुक में भविष्य की तारीख के रोगियों के रक्तचाप समेत मेडिकल रिकॉर्ड थे। अदालत ने 100 छात्रों की स्थिति के संबंध में विचार किया है अगर प्रवेश में गड़बड़ी की जानी है, लेकिन साथ ही इस अदालत के आदेशों की पवित्रता बनाए रखनी है। मेडिकल कॉलेज को 2.5 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। एम्स और सबूत के तौर पर ए रसीद याचिकाकर्ता राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और इस अदालत की रजिस्ट्री को प्रस्तुत की जाए। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि इसमें कहा गया है इस राशि का इस्तेमाल एम्स निदेशक अपने विवेक से गरीब मरीजों के इलाज के लिए करेंगे। साथ ही शीर्ष अदालत ने कॉलेज को चेतावनी दी कि वो छात्रों से जुर्माने की राशि ना वसूले। NMC की ओर से पेश अधिवक्ता गौरव शर्मा ने कहा कि शैक्षिक साल 2022-23 के लिए कॉलेज को 100 MBBS सीटों के लिए अनुमति दी गई है, जब निरीक्षण दल ने पाया कि उसने अपनी कमियों को दूर कर लिया है। हालांकि 2021-22 में जब कॉलेज को इस अदालत ने छात्रों को दाखिल नहीं देने का निर्देश दिया तो संस्थान ने प्रक्रिया जारी रखी। मेडिकल कॉलेज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निदेश गुप्ता ने कहा कि 2021-22 के लिए मार्च तक दाखिले हो चुके थे और इस अदालत ने 8 अप्रैल को स्थगन आदेश पारित किया था।